मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो गरीब परिवारों की महिलाओं को हर माह 8,250 रुपए देंगे। स्नातक कर चुके बेरोजगारों को भी रोजगार मिलने तक का 1,00,000 रुपए सालाना भत्ता देंगे। सरकारी विभागों में जो 20,00,000 पद खाली है वे भी भरे जाएंगे। दिग्विजय ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान ये बड़े वादे किए हैं। गरीब महिलाओं को साल में 1,00,000 रुपए दिया जाएगा, 8,000 रुपए ऐसे जो हमारी गारंटी पूरा करेंगे। मौका दीजिए। केंद्र सरकार जब बनती है तो उसमें महिलाओं को 8,500 रुपए प्रति महीना और साल भर में 1,00,000 रुपए को दिया जाएगा। बेरोजगार युवकों को 30,00,000 पद जो खाली पड़े वो भरे जाएंगे और उनको भी जिस साल वो ग्रेजुएशन कर लेंगे 1,00,000 रुपए एक साल के लिए दिए जाएंगे ताकि वो काम धंधा शुरू कर सके। कांग्रेस एमपी की बची 3 सीटों के लिए जल्द ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि तीनों सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार लगभग तय हो चुके हैं, बस अब सिर्फ ऐलान का इंतजार है कि कब ऐलान किया जाएगा। ग्वालियर मुरैना